हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। मैं मनोज आपके साथ। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे इंडिया नाभिक के बारे में, हिंद महासागर में चीन की चुनौती और अरब सागर में हुई समंदर में संग्राम के लिए तैयार है भारतीय नौसेना, आने वाला दिन में चाइना और पाकिस्तान को लेकर क्या कुछ कर रहा है भारतीय नौसेना, आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये बता दो फ्रेंड्स आपको, भारतीय नौसेना ने यहाँ पर विद्रोही का प्रदर्शन करते हुए, यदि मैं बात करूँ ना चीन की हरकत से, चीन अपने बाज नहीं आ रहा है। तो भारतीय नौसेना यहाँ पर अदन की खड़ी से लेकर हिंद महासागर क्षेत्र में, यानी कि इंडियन ओकेजन रीजन से लेकर हर तरफ मौजूदी है। समंदर में किसी भी तरह से संग्राम की पूरी ताकत और मजबूती और भारतीय नौसेना अपनी मौजूदगी में दर्ज कर रहा है। पाकिस्तान को यहाँ पर नाता नाबूद करने में सक्षम और चीन को दूर रखने में सक्षम भारतीय नौसेना की आज हम आने वाला दिन में क्या क्या अपडेट रहेगा वो बात करेंगे। साथ ही साथ ये बात करेंगे कि हिंद महासागर की अपडेट आप लोगों के साथ आज हम शेयर करने जा रहे हैं। फ्रेंड जो अपडेट आ रहा है, चीज़ों को पहले समझते हैं, अनपिक करते हैं और विस्तृत रूप से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। जो अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी ने MBCM कुल्ट ने यहाँ पर जो अपडेट आ रहा है, इसे अपडेट के तहत यदि हम बात करेंगे, यदि आप चाइना और पाकिस्तान सीमाओं पर देखेंगे जहां पर भारतीय नौसेना की एयरक्राफ्ट अवेलेबल है, इंडियन नेवी की शिप अवेलेबल है, जो कि 24/7 सर्विलांस में अपनी सिक्योरिटी को टाइट कर रहे हैं, उसके ऊपर आज अपडेट रहेगा। तो ये अपडेट आ रहा है कि इंडिया चाइना के तहत जो अपडेट आ रहा है, इस विद्रोही के हमले के बाद अरब सागर में 3 जंगी जहाज तैनात कर दिया है। ये जहाज में INS मुरमगांव, INS कोची और INS कोलकाता, इस 3 गाइडेंस मिसाइल विध्वंसक है। इसके अलावा PY-18 विमान भी भेजा गया है ताकि समंदर पर आसमान से निगरानी रखा जा सके। देखिए फ्रेंड्स, बात सिर्फ अरब सागर, लाल सागर या अदन की खड़ी की नहीं है, भारतीय नौसेना को 7516 किलोमीटर से ज्यादा ही समुद्री तटीय इलाके में निगरानी करने होती है। अपने तरफ से आ रही, अपने लिए आ रहे और अपने तरफ से जा रही कर्मशील जहाजों को विध्वंस और दुश्मन देश पर हमला के लिए अपडेट रहता है, जिसमें बचाने के लिए भी अपडेट रहता है। यदि मैं बात करूं, ये अपनी मजबूत मौजूदगी देखकर हमला रोकने होता है, जैसे अभी अरब सागर में किया जा रहा है, उसी हिसाब से भारतीय नौसेना अपने सर्विलांस और सिक्योरिटी को डेली बेसिस में अपग्रेड कर रहा है, साथ साथ कंट्रोल रूम को भी अपग्रेड कर रहा है। जहां तक पलक झपट में कोई भी, यदि मैं बात करूं, आतंकी हमला हो सकता है या पड़ोसी देश या पड़ोसी दुश्मन देश कभी भी कोई भी मिसाइल को, टारगेट को हिट कर सकता है, उसी सिचुएशन में कहीं कहीं भारतीय नौसेना 24/7 सर्विलांस में अपनी सिक्योरिटी को अपडेट करते हुए इस चीज़ पर काफ़ी हद तक नज़र रख रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदी महासागर में पूर्वी दिशाओं में भारतीय नौसेना की मिसाइल कॉम्बैट INS कोशिश और एक भी एक जहाज LCU-56 यहाँ पर अपडेट कर रहा है, जहाँ पर थाईलैंड के निशाने के साथ साथ युद्ध भेस के लिए पहुँच गई है। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ, बकाव में हुई IONS यानी इंडियन असड नेबल और TPGS के तहत ये INS कदम के नौसेना प्रमुख और हरि कुमार ने यहाँ पर यात्रा की अपडेट की है। यानी हिंद महासागर में चीन की तरफ से किसी तरह की हरकत हो, इसलिए भारत की अपने ताकत पर मौजूदगी जाहिर किया है। और एक अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स, अरब सागर में इतने विध्वंस हो कर रहा है, जहाँ पे जवाब देने के लिए पहले तो INS कोची और INS कोलकाता की आदन की खड़ी में तैनात किया गई थी, लेकिन बाद में यहाँ पर विशाखापट्टनम लैंडस्लाइड में गाइडेंस मिसाइल को डिस्ट्रॉयड और INS मुरमगांव को भी आगे जाकर भेज दिया गया है। जहाज पर हमला छोटे ड्रोन जैसा नहीं है, जो इमेज आप देख रहे हैं कितना ये जो घातक हमला हुआ है फ्रेंड्स, MBCM फ्लूट ऑफ 25 दिसंबर में जो अपडेट आया था फ्रेंड्स, मुंबई पहुंच गया था, वही समंदर में एंकर डालकर खड़ा हुआ था, जिसमें 21 भारतीय और एक वियतनामा क्रू शामिल थे। पहले बताया गया है कि इस पर किसी छोटी ड्रोन में हमला किया गया था, लेकिन भारतीय नौसेना की एडमिरल की तरफ से जो अपडेट आया है, जिसमें जांच पड़ताल करने के बाद नतीजा कुछ अलग निकला था, अभी और जांच की जरूरत है। इसमें विस्फोटक का प्रकार, ड्रोन के टुकड़े और जहाज की टुकड़ियों पर जांच भी चल रहा है। जांच पर हुई हमले के जांच के लिए कई जासूसी सर्विलांस को अपडेट किया गया है। भारत की पूरी सीमा और यदि हम बात करेंगे महासागर की सुरक्षा के प्रमुख बेस और प्रमुख एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना अपने आप में अपग्रेड कर रहा है। भारतीय नौसेना की प्रमुख नौसैनिक बेस में मुंबई गांव, करबर, कोची, उसी हिसाब से चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, और अपडेट के तहत पश्चिम कमान का मुख्यालय मुंबई, पूर्वी का विशाखापट्टनम और दक्षिण कमान का मुख्यालय कोची में भारतीय नौसेना के पास फिलहाल 132 युद्धपोत है। इसके अलावा 143 एयरक्राफ्ट और 130 हेलीकॉप्टर अवेलेबल है। भारतीय नौसेना 2030 तक अपने जंगी जहाज में बेड़े में बढ़ाकर 155 से लेकर 160 कर सकती है। 2035 तक इसे बढ़ाकर 175 युद्धपोत में बदलाव किया जाएगा। जिसमें बात करूँ, भारतीय नौसेना आने वाला दिन में अपने आप को अपग्रेड कर रहा है और आने वाला दिन में मेक इन इंडिया के तहत अपनी पावर को कहीं हद तक और कहीं गुना ज़्यादा बेहतर बना सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये अपडेट आ रहा है, इतने जहाजों का मकदम और इंडियन एशियान एजेंसी भारत की मजबूत मौजूदगी और इसके अलावा चीन की योजनाओं को रोकने के लिए साथ ही साथ आने वाला दिन में इसको अपग्रेड कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ अपडेट था और आने वाला दिन में मैं आपको बता दूं, ये बात तय है कि चीन भी अपने नौसैनिक ताकत बढ़ा रही है, वहीं पर 555 युद्धपोत तक पहुंच जाएगा, लेकिन हमारी सैन्य उसे नाता नाबूद करने में सक्षम रहेगा। देखिए फ्रेंड, जहां तक चीन की 555 युद्धपोत, वहीं पर भारत की 100 से 150 युद्धपोत, यदि हम बात करेंगे 2035 तक 135 युद्धपोत हो भी जाता है, क्योंकि उस हिसाब से भारत अपनी नाभाल सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। चीन ने अपने विमान वर्षक युद्धपोत और इंडियन यासेंस रेजिंस
भेजने की शुरू कर दिया है। भारतीय नौसेना को भी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की अनुमति मिल चुकी है। यह INS विक्रांत के रिपोर्ट की तहत रिपोर्ट ऑर्डर के तहत अपडेट किया जाता है। और एक अपडेट आ रहा है INS मुरमुगांव की ताकत की तरफ से हम बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अपडेट आ रहा है, INS मुरमुगांव एक सेटल्ड मिसाइल्स जूनियर है जो कि 7,400 टन का जंगी जहाज है। 535 फीट लंबी इस युद्धपुत की अधिकतम गति 56 किलोमीटर है प्रति घंटा में। अगर यह बात करें 26 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपने रफ्तार को आने वाले दिन में भी बढ़ोतरी बढ़ा सकता है। जहां तक हम बात करेंगे इसके स्पीड की, उस हिसाब से यदि हम रेंज की बात करेंगे 7,400 किलोमीटर है। इस पर 300 नौसैनिक रह सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डीजल इंजन को अपडेट किया गया है और इस हिसाब से न्यू कवच को अपडेट किया गया है। एक 76 यानी कि 76 मिलीमीटर की ओटी वो मैरल तोप है जिसमें 4 AK-603 CIWS गन लगी है। यह दुश्मन की जहाज मिसाइल विमान को छलनी करने में माहिर है। यदि मैं बात करूँ इसमें 533 मिलीमीटर की 4 ट्राइपॉड युद्ध में इसके अलावा 2 RBU-6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगा गया है। इसमें 32 बाराक 8 सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल्स तैनात किया गया है। इसके अलावा 16 एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल को भी तैनात किया गया है। तो फ्रेंड, ये जो एयरक्राफ्ट है बिल्कुल फुल्ली लोडेड है। भारतीय नौसेना विभिन्न प्रकार वेपन सिस्टम को भी इसमें अपग्रेड किया है ताकि चारों तरफ से दुश्मन को घेर सके और हमला करने में सक्षम हो सके। मुरमुगांव की यदि हम बात करेंगे, INS मुरमुगांव पर डो बैटल्ट की किंग का अपडेट किया गया है जिसमें HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की तरफ से ध्रुव हेलीकॉप्टर की यहां पर अपडेट किया गया है। यानी कि ध्रुव हेलीकॉप्टर को उसके ऊपर तैनात किया गया है। किसी भी मतलब कोई भी आपत्ति परिस्थिति में हेलीकॉप्टर से चीज़ों को आप सुधार सकते हो, मैनेज कर सकते हो। यह युद्धपुत में यदि मैं बात करूँ सटे से सटे मार करने वाली मिसाइल को भी अपडेट किया गया है। दुश्मन के हथियार अतिन पता करने के लिए न्यू सर्विलांस को भी अपडेट किया जा रहा है। यदि मैं बात करूँ जिन दुश्मन की देख नहीं सकते, इसमें बैटल डैमेज कंट्रोल मिसाइल सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है। INS कोची और कोलकाता की खासियत की हम बात करके फ्रेंड्स, कोची असल में एक कोलकाता क्लास सेटल्ड गाइडेंस मिसाइल सिस्टम है जो कि 2015 से नौसेना में तैनात है। 7,500 टन की इस सेटल्ड वाली जंगी जहाज को यदि लंबाई है 535 फीट है, यह अधिकतम 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। इसमें 12, 8 और ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात किया गया है। इसके अलावा एक अल्टोमिलर नेवल सिस्टम को अपडेट किया गया है। 4 AK-630 यानी कि 4,430 एक ओपन सिस्टम को भी इसमें अपडेट किया गया है। यदि मैं बात करूँ आने वाला दिन में भी इसको मॉडिफाई किया जाएगा। CIWS डिप्लोमेट के तहत RBU-6000 को अपडेट किया गया है। एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स और एडिशनल 4 ट्राइफिडो ट्यूब्स को भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ नौसेना की अपडेट था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। आज का टॉपिक कैसा था जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टॉप डिफेंस न्यूज़।